कैथून क्षेत्र में राजनीतिक गुटबाजी के चलते बरसाती पानी से घिरे ग्रामीणों को राहत नहीं मिल पा रही। ग्रामीण अभी भी प्रशासन की ओर से सहायता का इंतजार कर रहे हैं, जबकि नगरपालिका अध्यक्ष आईना महक और नेता प्रतिपक्ष गायत्री शर्मा व्यवस्थाओं को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चूक रही। एसटीएन ने शुक्रवार को कैथून के जाखोड़ा इलाके में बाढ़ से प्रभावित लोगों से बात की और वहां का जायजा लिया। लोगों का कहना है कि वह बाढ़ से गिरे रहे, परेशान होते रहे, पशु मरते रहे, लेकिन कोई सहायता नहीं हुई। नगरपालिका अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने उनके साथ अभद्रता की। इस इलाके में चारों तरफ पानी फैला हुआ है, सड़कें उतरी हुई हैं, नाला अधूरा पड़ा हुआ है जिसका पानी खेतों में भरा हुआ है। इस बारे में इलाके का निरीक्षण कर रही नेता प्रतिपक्ष गायत्री शर्मा ने अव्यवस्थाओं के लिए नगरपालिका अध्यक्ष आईना महक को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए नाला बना दिया, वह भी अधूरा छोड़ दिया, जिसके कारण पानी भरा हुआ है, व्यवस्थाएं नहीं हो रही, पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी एसीबी में शिकायत करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं पालिका अध्यक्ष आईना महक ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गायत्री शर्मा काम नहीं करने देती हैं, हर जगह विवाद पैदा करती हैं। उनके परिवार का खेत होने के कारण उन्होंने नाला नहीं बनने दिया, जिससे अव्यवस्था हो रही है। वहीं लेबल पर बेबुनियाद आरोप लगाती रहती हैं, जबकि उन्होंने सूचना मिलते ही लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करवाई और उन्हें खाना पहुंचाया, जो भी जहां भी संभव हुआ वहां पर व्यवस्थाएं करवाई, अभी भी वहीं व्यवस्थाओं में जुटी हुई हैं। सर, मैंने 2 हफ्ते पहले ही नगरपालिका अधिकारी अधिकारी को अवगत करा दिया था कि यहाँ पे जो मिट्टी जमा हो रही है रोड निर्माण पर, उसकी सफाई की जाए। नाली भी ब्लॉक है, ऊपर से जो नाला बना हुआ है वो भी अधूरा निर्माण हो रखा है, उस वजह से यहाँ पानी की बहुत समस्या होती है। सुअर भी यहाँ पे बहुत हो रहे हैं, जिसके भी मैंने अवगत कराया था उनको हटवाने के लिए, पर अभी तक उस चीज़ पे कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बस कहते रहे कि करवाएंगे, पर आज तक उन्होंने सर उठाई थी, मैंने बकायदा उनको लिख के भी दिया था अपना लेटर पैड पे, पर अभी तक मुझे उस चीज़ का सेटिस्फेक्शन मिला नहीं। बरसात आने के पहले ही बोल दिया था मैंने उनसे कि यहाँ पे सफाई करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो उसके बाद बरसात आने के बाद बहुत ज़्यादा 3-4 फुट तक पानी भर चुका है। कई बार नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को अवगत करवाया जी, कई बार लिखित में भी दिया। अधिशासी अधिकारी का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि हम नाले सफाई करवा रहे हैं, लेकिन हमने जैसे ही वार्डों में आके घूम के देखा कहीं के नाले की सफाई नहीं हुई, और एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए नाला बनाया, अधूरा बनाया, पूर्ण भ्रष्टाचार है। वार्ड नंबर 11 में ऐसा नाला बनाया, 15 दिन अभी नाले को कंप्लीट भी नहीं हुआ। 15 दिन पहले तो आप लोगों ने जांच के लिए लिखा है, आप लोगों ने जांच के लिए लिखा कहीं पे? जी जी बिल्कुल, किससे शिकायत करी? बिल्कुल भ्रष्टाचार का हम एसीबी में देंगे और हम प्रदर्शन करेंगे, धरना भी देंगे। कैथून में जब बाढ़ आई, मेरे को पता लगा कि कैथून में बाढ़ आ गई, तो मैं 5:30 खुद नगर पालिका पहुंच गई। मैंने ईओ साहब को उठाया कि भाई कैथून में बाढ़ आ चुकी है और हमें सारी परिस्थितियाँ संभालनी है, क्योंकि कैथून में बहुत सी कच्ची बस्तियाँ हैं जहाँ बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, तो उनकी खाने की भी व्यवस्था करनी होती है। तो 6 बजे मैंने, हमारे एक पार्षद है जो हलवाई का काम भी करते हैं, भाजपा से पार्षद है राकेश जी, उनको मैंने तुरंत नगर पालिका में बुलवाया और आटे की आलू की इनकी सारी व्यवस्था करवा के और मैंने खाना बनवाना स्टार्ट कर दिया। बाढ़ के दिन पूरे दिन खाना जहाँ भी हम बस्तियों में पहुँचा सके हमने सब जगह खाना पहुँचाया। ठीक है सर, मैं आपको बता दूँ, जो कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जिनका काम ही आरोप प्रत्यारोप लगाना होता है, वो तो आप उनके लिए कितना ही कर लो वो यही करेंगे, जबकि हमने जो सबसे पहला जो खाना बंटवाया वो वहाँ जाखोड़ा बस्ती में ही बंटवाया, क्योंकि पहले कभी भी जाखोड़ा बस्ती में इतना पानी नहीं आया था, इस बार पहली बार उस बस्ती में पानी भरा।